प्लीज बोल दो आनंद। मैं चलता हूँ। हाय, आई एम आनंद। विजय। ओह, विजय, वंडरफुल। अरे, जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉब्लम थी? बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आए तो। ओह या, ये भी विजयवाड़ा से है ना? अक्षरा ने बताया था, तुम भी विजयवाड़ा के हो। गुड। क्यों ना हम तीनों मिलके लंच कर लेते हैं? नो थैंक्स, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। थैंक्स, बाय। तुम रुको विजय। क्या हुआ अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा? मैंने बताया था ना, अर्जेंट काम था, इसलिए लेट हो गया। यकीन करो मेरा। कमान यार अक्षरा, कभी कभी हम काम में अटक जाते हैं, इतनी सी बात पर। इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आनंद। तुमने मुझे वेट कराया और सिर्फ एक सॉरी बोल रहे हो, दैट्स इट, इतना ही ना? मुझे यहाँ आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के लिए मैं सब कुछ साइड में रखकर आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और तुम अब क्या बोल रहे हो? व्हाट इज अ बिग डील कहा ना तुमने? It is a big deal, damn it. मैंने अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हमारी शादी के लिए, और तुम? Come on, अक्षरा, बताया ना, लेट हो गया, मैं मानता हूँ, सॉरी कहा मैंने, आई एम रियली सॉरी। चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं, इट्स ओके। नो आनंद, इट इज नॉट ओके, इट्स जस्ट नॉट ओके। जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम मुझे पहली बार मिले आनंद जैसे नहीं लग रहे हो। तुम्हें याद है मैं जब विजयवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के एड्रेस को लेकर कंफ्यूज हुई थी। तब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तुम मेरे पास पहुंच गए थे। तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्टलेस होते थे। मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए ईगरली वेट करते थे आनंद। इज इट टू लेट आनंद? बोलो आनंद, इट्स स्टिल नॉट लेट, बोलो। आखिर में मेरी खुशी किसके साथ होगी ये डिसाइड करने का चॉइस मेरा है। बोलो आनंद, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है, ये बोलो। अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती हूँ, ये बोलो आनंद, प्लीज बोल दो आनंद। तुम ही सही हो, डिसीजन तुम्हें ही लेना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। हम दोनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टेंट है अक्षरा। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं।